तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? हाँ, वो मैंने स्नैक्स ऑर्डर किए थे। लाओ जरा। क्या हो गया, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? तुम खुद भी अपना ऑर्डर लेने के लिए गेट खोल सकते थे। तुम्हें पता है कि आई एम नॉट वेल। नॉट वेल? क्या हो गया तुम्हें? मुझे जुकाम है, सुबह से बॉडी पेन हो रहा है। तुम अपना काम खुद भी तो कर सकते हो। चल यार, जुकाम ही तो है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। शुभम, अरे प्लीज यार, ये छोटे मोटे जुकाम के लिए इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रही हो? 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। पूजा, मैंने तुम्हें बताया था ना कल मेरा बिजनेस ट्रिप है। हाँ मुझे याद है। तो यार मुझे बैग भी पैक करना है और काफी काम भी है। तो तुम ये शर्ट्स प्लीज धो देना यार। मैं कल मेड को कह दूंगी, वो धो देगी। अरे यार, मेड पता नहीं कितने दिन लगाएगी, कब सूखेंगे और कब मैं पहनूंगा। तुम प्लीज आज इसे धो देना यार। शुभम तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कितना जुखाम है। और यार तुम्हारा फिर से शुरू हो गया ना ये सर्दी जुखाम। जरा सा सर्दी जुखाम ही तो है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। जरा सा खांसी जुखाम? तुम्हें जरा सा लग रहा है? मेरा इतना बॉडी पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, खांसी से चेस्ट पेन हो रही है, और तुम्हें ये सब जरा सा लग रहा है? प्लीज ये इमोशनल ड्रामा ना बंद करो। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो सीधे बोल दो, ये बहाने देने की क्या जरूरत है? बहाने? तुम्हें क्या हो गया शुभम? ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? अच्छा, अब तुम्हारी अपनी बारी आई तो तुम्हें इनसेंसिटिव लग रहा है, और ये सब चीजें जब तुम राधा के साथ कर रही थी तब तुम्हें इनसेंसिटिव नहीं लग रहा था? दीदी सारा काम हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। अरे लेकिन आज घर में पोछा तो लगा ही नहीं। दीदी दरअसल तबीयत काफी खराब है और पोछा रोज लगाती हूँ, इसलिए आज नहीं लगाया। और मुझे 1-2 दिन की छुट्टी भी चाहिए। ऐसा लगता नहीं है कि इस हालत में मैं काम कर पाऊंगी। ओ मैडम, छुट्टी वुट्टी ना कोई नहीं मिलने वाली। थोड़ा जुकाम हुआ नहीं कि काम चोरी के बहाने शुरू हो गए? नहीं नहीं दीदी, काम चोरी नहीं कर रही हूँ, सच में तबीयत काफी खराब है और पूरे बदन में दर्द हो रहा है जुकाम के वजह से। लगता है बुखार भी है मुझे। मुझे तो पता ही नहीं कि जुकाम में क्या क्या होता है ना। ये सब फालतू की बातें ना बंद कर, यहाँ पे काम करेगी तभी पैसे मिलेंगे। अगर 1 भी दिन छुट्टी की ना तो 3 दिन के पैसे काटूंगी, समझी? पर दीदी मुझे कोई फालतू की बातें नहीं सुननी, पहले पोछा मार तभी घर जाएगी, समझी? उस दिन राधा भी बीमार थी तब तुम्हें ये सब बहाने और काम चोरी लग रही थी, और आज जब तुम्हारे साथ ही हो रहा है तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? शुभम मैं समझ गई हूँ तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे राधा के साथ इतना इनसेंसिटिव बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, राधा तो हमारी मेड है, नौकरानी है, वो तो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकती है ना। नहीं शुभम प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे रियलाइज हो गया है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और मेड होने से पहले वो भी एक इंसान है जो कि बीमार पड़ सकती है। एज अ ह्यूमन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी हालत में हम उससे और काम ना करवाएं। आई एम सो सॉरी, और मैं कल राधा से भी माफी मांग लूंगी, और थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। अच्छा बाकी बात तो ठीक है, लेकिन ये शर्ट्स धो देना शुभम।